Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप एक ऐसे relationship में हैं, जहां पर आपके partner आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके partner इस तरह से बहुत ही hidden क्यों हो गए हैं, अपनी बातों को क्यों छुपा रहे हैं, सो आज उन लोगों के लिए आज की रीडिंग है. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है. सो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. जिस तरीके से मैं पाइल सेलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाए. पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है. आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है. सो ये है आपके पास दो पाइल सिलेक्शन के ऑप्शन. दिस इज पाइल नंबर वन, दिस इज पाइल नंबर टू. पाइल नंबर वन में है ए बी सी डी आई जे के एल क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स, एंड पाइल नंबर टू में है ई एफ जी एच एम एन ओ पी टी यू वी वाई जेड. तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है. आइए जानते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है. आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है. आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है. फॉर पाइल नंबर वन पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है. पाइल नंबर वन पीपल, आइए डिटेल से देखेंगे कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है. एक कार्ड नीचे गिरा है, आई विल पिक इट अप फॉर यू. एंड यहां पर सो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर, द हेरोफेंट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है. जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के जोडियक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी. यहाँ पर जो आपके पार्टनर के जोडियक साइंस नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस सबसे पहले, तो then is your Aquarius, Gemini, Libra, then is your Aries, Leo, Sagittarius, and बहुत कम यहाँ पर Capricorn, Virgo, Taurus है. So आपके partner को क्या डर सता रहा है जिन्होंने pile number वन choose किया है. देखिए, आपके partner इस relationship को दिल से चाहते हैं, पर उससे भी पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं. आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी. आपके पार्टनर दिल से इस रिश्ते को चाहते हैं. अगर आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस को ड्रेन किया है ना, तो आज के टाइम पर आपके पार्टनर खुद में भी बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं. उनका लगाव किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ के साथ नहीं है. उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो डिज़ायर्स हैं वो इमोशनल डिज़ायर्स हैं, और वो डिज़ायर्स सिर्फ और सिर्फ आप उनकी पूरी कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर उनकी एक्सट्रीम चाहत की बात करूँ, तो उनकी एक्सट्रीम चाहत आपके साथ अपना रिश्ता निभाने की है. आपके पार्टनर अपनी इस चाहत को पूरा करना चाहते हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं वो. अगर वो सच में चाहते हैं इस रिश्ते को निभाना, तो आपके पार्टनर एक्चुअली जब भी इस रिश्ते की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं,
तो उन्हें सामने से हर एक रास्ते पर ऑब्स्टिकल्स ही नजर आते हैं, उनके रास्ते में रुकावट ही आती है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ ना बहुत सॉर्टेड है, पर उनकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है। उनकी लाइफ में वो बंधे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा स्टक है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पर्सन उन्हें रोकता है, या कुछ ऐसा घटित हो रहा है उनके अराउंड जिसे वो महसूस कर पा रहे हैं लेकिन देख समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये डर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा सता रहा है कि अगर हमेशा इसी तरीके की ऑब्स्टिकल्स उनके सामने आती रहे तो वो तो आपको इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो देंगे, जो कि वो नहीं खोना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये भी डर सताता है कि आप इस टाइम पर जितना ज्यादा डिफेंसिव हैं, एक्चुअली आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। वो भी ये बात जानते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वक्त और हालात उस टाइम पर किस तरह के बने, शायद आप अपने परसेप्शन से तो इस चीज़ को जज कर सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के परसेप्शन से इस चीज़ को आप जज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ये महसूस होता है कि अगर आपके सामने आज के टाइम पर इतनी ऑब्स्टिकल्स के साथ आपके पार्टनर ने अपने जज्बातों को रखा, तो आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। आप अपने सवालों के जवाब पूछेंगे, उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर के पास हाल फिलहाल में नहीं है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, वो पैशनेटली इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, बट आपके जो सवाल हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्या अपने प्यार के बारे में नहीं सोचा, इन सारे सवालों के जवाब आपके पार्टनर के पास हाल फिलहाल में नहीं है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सफोकेट भी करती है, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी बनती जा रही है, या तो आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स होने वाली है या उनकी मैरिज फिक्स हो गई है। आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आपके पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आप उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। अगर वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ कोई हिडन मैरिज कर सकते हैं, अगर आपके साथ वो मैरिड हैं तो। इसलिए आपके जो पर्सन है ना, वो इस मैरिज वाली एनर्जी को अपनी मर्जी से गो थ्रू नहीं करना चाहते, उनकी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। उन्हें ये डर सता रहा है कि वो ऐसी कोई कमिटमेंट इस थर्ड पार्टी को कर देंगे तो उसके बाद आपके पास वापस कैसे आएंगे। अभी तक वो इस एनर्जी को रिजिस्ट करते आए हैं, वो अपनी शादी को रिजिस्ट करते आए हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ को रिजिस्ट करते आए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये रिजिस्टेंस उनसे हो नहीं पा रही है, वो अब और ज्यादा इस चीज को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर जब पुरानी बातें याद करते हैं, पुराना टाइम याद करते हैं, जब आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम उन्हें याद आता है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो जब आपके साथ जी रहे थे ना, तो एक बच्चे की तरह जी रहे थे। कोई लिमिटेशन नहीं थी उनके आसपास, वो अपने सपनों को पूरा कर पा रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल उनका करियर की बात हो या फिर उनकी पर्सनल ग्रोथ की बात हो, आप उन्हें किसी भी तरीके से लिमिट नहीं कर रहे थे। और यही चीज़ तो आपके पार्टनर को बार बार आपकी तरफ खींचती है, जिसमें आपका प्यार छुपा हुआ है। आपके पर्सन को ये बात महसूस होती है कि आप सच में अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उन्हें ये डर सता रहा है कि वो आपका प्यार हमेशा के लिए खो ना दे। क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने कोई भी ऐसा डिसीजन बना लिया जिसे वो दोबारा से रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको क्या क्लैरिफिकेशन देंगे और कहाँ से आपका प्यार उन्हें दोबारा मिल पाएगा। तो आपके पार्टनर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे हैं। आप अपने परसेप्शन से तो रिश्ते को जज करते ही हैं, उसके बारे में आज मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। मैं आज आपको आपके पार्टनर का परसेप्शन बता रही हूँ कि वो किस परसेप्शन से इस रिश्ते में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हो रहा है उनके साथ। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अपने परसेप्शन को तो आप जानते ही हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कारण है। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाए,
ठीक है, आपके पार्टनर ने पूरे स्ट्रेंथ के साथ इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश की है। आज भी आपके पार्टनर के अंदर जज्बा है इस रिश्ते को जीने का, लेकिन वो इस रिश्ते को नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो है वो उनकी हर दिन के साथ टूटती चली जा रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो उनके अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां उनके अगेंस्ट हैं। तो जब परिस्थितियां इतनी उनके अगेंस्ट हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ को लगाकर भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर एक बार इस थर्ड पार्टी के सिचुएशन में एंटर कर गए उसके बाद उन्होंने आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, वो मुड़ मुड़कर आपकी ओर ही देख रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रेंथ कैसे लगाएंगे जब उन्हें सामने से कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है? आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस खत्म नहीं हो गए हैं, उन्होंने अपने इमोशंस को दबाया है। दबाने का रीजन ये है, आपके सामने आज के टाइम पर अपने इमोशंस को रख कर क्या फायदा है? कैसे वो आपके सामने अपने दिल की बात कर दे जब वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल ही नहीं कर सकते हैं? तो ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, उन्हें ये भी डर लगता है कि उनकी अपनी लाइफ तो इतनी ज्यादा उन्होंने खुद खराब कर ली, अब उनके किसी एक्शन से आपकी लाइफ ना खराब हो जाए, तो इसलिए वो अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं। आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पेन की सिचुएशन में है, उन्हें ऐसा फील होता है कि जब उन्होंने आपको पेन दी तो ये पेन उन्हें मिलनी थी, क्योंकि कर्मा हमेशा वापस आता है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ही ज्यादा एक सफरिंग स्टेट में है, आपके पार्टनर इस टाइम पर डरे हुए हैं कि अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, वो आपको हमेशा के लिए नहीं खोना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कि जिस तरह के स्टेबल प्रपोजल के बारे में वो सोचा करते हैं कि वो इस तरह का स्टेबल प्रपोजल आपको देंगे, वो शायद उनके मन की जो इच्छा है वो उनके अंदर ही दबी रह जाएगी, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो आपके पार्टनर को आपसे दूर लेकर जा रहे हैं, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि अब आप भी इस रिश्ते में इमोशनली इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा तो उन्होंने आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया है, इतना ज़्यादा तो उन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, तो कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ डिटैच हो रहे हैं, और आप अपने आप को कंप्लीटली डिटैच ना कहीं कर ले ये भी उन्हें डर है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी को इतना ज्यादा हर्ट करता है तो वो सामने वाला इंसान उस पर्सन को इतनी इजीली माफ नहीं कर सकता है, तो माफी आपके पार्टनर तो तब मांगे ना आपसे जब उनके सामने रास्ते क्लियर हों। उनके रास्ते हर दिन के साथ कॉम्प्लिकेट होते चले जाते हैं। ठीक है, आपके मन में तो सिर्फ यही डाउट आता है कि वो आपसे प्यार भी करते हैं कि नहीं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, तभी तो उनके लिए अब कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज मायने नहीं रखती है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये जो वक्त है ना, इस वक्त ने आपके पार्टनर को फंसा दिया है। ठीक है, हालात गलत हुए, आपके पार्टनर गलत नहीं थे, और उन्हें अब ये डर लग रहा है कि अगर ये वक्त सही ना हुआ, अगर इस वक्त में कोई चेंजेस ना हुए, तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये हालात मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताए हैं। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हुई होगी। सो आइए अब हम इस लेग से देखते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। फॉर पाइल नंबर वन पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। फॉर पाइल नंबर वन पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है? तो पहला कार्ड है रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज परफेक्शन का कार्ड है, यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज डेस्टिनी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विजडम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रीफ का कार्ड है यहाँ पर। ओके, अब हम एक और डेक से देखते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। फॉर पाइल नंबर वन पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रैटेजी का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर एज फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर एज डिसीट का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर. सो जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कहीं हालात हमेशा के लिए उनके ऑपोजिट ना हो जाए, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को दोबारा से रीजनरेट ना कर पाए. आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से आज तक जितनी भी कोशिशें की हैं, या तो आप उन कोशिशों के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पता भी है कि हाँ आपके पार्टनर अपने एंड से ट्राई कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को उन कोशिशों में कोई सफलता नहीं मिली है, ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा कर रही है. ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद इस बात की उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि आपसे ज़्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता है. आपके पार्टनर इस रिश्ते को रीचैनलाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. यही डर है उनके अंदर कि कहीं उनकी कोशिशें ही कोशिशें ना रह जाएं और उसके बाद उनके हाथ में कुछ भी ना रहे इस रिलेशनशिप का, वो सिर्फ असफल ही हो जाए. ये डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है. आपके पार्टनर को ये भी डर सता रहा है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में परफेक्शन देखते हैं. अगर ये रिलेशनशिप उस तरह का परफेक्ट नहीं हो पाया तो वो आप तक कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो अपने साथ जो भी उनकी ये पास्ट की एनर्जीज हैं, पास्ट की एनर्जीज का मतलब जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज हैं, उसे लेकर वो आपके सामने नहीं आ सकते हैं. वो आपको क्या कहेंगे कि वो प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन इस थर्ड पार्टी से वो डिटैच नहीं हो सकते हैं. तो ये जो आपका ख्वाब है ना कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो, ये भी आपके पार्टनर के लिए एक डर का कारण बना हुआ है. अगर आपके पार्टनर आपके सामने आज के टाइम पर अपनी परिस्थिति को नहीं रख रहे हैं, वो किन हालातों से गुजर रहे हैं, वो ये चीज़ आपके सामने नहीं रख रहे हैं, तो ये जो परफेक्शन की आदत है ना आपकी, ये भी एक कारण है उस चीज़ का. ठीक है, डेस्टिनी का कार्ड है. आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर ही आपको उनकी किस्मत से खींच लें, उनकी किस्मत से आपको डिटैच कर दें, क्योंकि आपके पार्टनर ने गलत कर्म किए हैं और इस कर्म की सजा कहीं उन्हें इस रूप में ना मिले कि आप उनके जीवन से हमेशा के लिए अलग हो जाए. आपके पार्टनर को ये भी डर सता रहा है कि आप शायद उनके एक्शन से इस रिश्ते का फैसला कर रहे हैं, और अगर आपने अपने एक्शंस खुद से ना लिए तो इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा. आप अपने विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कि आप उन्हें लेकर जजमेंटल हो गए हैं और आप उन्हें गलत नज़रिए से जज कर रहे हैं, और आपकी समझदारी उसके बाद आपको ये कहेगी कि आपके पार्टनर ने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया. इस बात का डर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है. आपके पार्टनर को ये भी डर सता रहा है कि शायद आप उनके दुख को अब समझ नहीं पा रहे हैं. वो ये बात मानते हैं कि आपके जीवन के अंदर जो भी दुख हैं वो उनकी वजह से हैं, लेकिन वो किस पेन से आज के टाइम पर रहे हैं शायद आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं. ये चीज आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा दुख का कारण बनी हुई है. ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पेन दे रही है. ठीक है, और ये आपके पार्टनर का बहुत बड़ा डर है कि अगर आपने उनकी तकलीफ को ही नहीं समझा, उनकी पेन को ही नहीं समझा, तो वो आपसे जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाएंगे. आपके पार्टनर को ये डर है कि आप इस रिलेशनशिप में अब बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश अपने एंड से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी साइड से इस रिलेशनशिप के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट किया है, जबकि ये बात सच नहीं है और आपके पार्टनर आपको ये बात समझा भी नहीं पा रहे हैं. आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कि उनकी स्ट्रैटेजीज तो काम नहीं कर रही हैं. वो जब भी इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है
और कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके एक्शन से इस रिश्ते का फैसला कर लें और आप इस रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश ही ना करें। ये चीज़ का डर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो उम्मीद भरी आंखों से आपकी तरफ को देख रहे हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन वो इन इमोशंस को आपके सामने आज के टाइम पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर आपके सामने अगर वो अपने इमोशंस को रखेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। लेकिन सच्चाई तो यहाँ पर कुछ और है, धोखा आपके पार्टनर के साथ हुआ है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपको सामने से आकर कहें कि धोखा उनके साथ हुआ है, आप उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर बहानेबाजी कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपको सामने से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक घुटन की एनर्जी के अंदर है कि उन्होंने आपको चीट नहीं किया, और जो चीटिंग उनके साथ हुई है वो चीटिंग वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ही घुटन भरी एनर्जीज में है। आपके पार्टनर ने बस इस रिलेशनशिप के लिए पेशेंस रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को अब वो सरेंडरिंग मोड की ओर लेकर जा रहे हैं कि हाँ, अगर आपको भी ये बात समझ आ गई कि उनके साथ गलत हुआ है तो आप इस रिलेशनशिप में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो कुछ भी करना चाहते हैं उस चीज़ का कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। अब आपके पार्टनर इस पेशेंस भरी एनर्जीज के अंदर आ गए हैं और इस रिलेशनशिप को सरेंडर करते हुए भी उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने इसी मोड को अपना लिया और कुछ भी चेंज ना हुआ तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये चीज़ भी आपके पार्टनर के अंदर एक डर पैदा कर रही है। सरेंडर उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, अपने हालातों के आगे मजबूर होकर वो ये सरेंडरिंग मोड पर आ गए हैं। ओके, सो आइए आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर की सोल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊँ, मुझे समझ नहीं आता। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, वो किस तरह आपके सामने आए ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आती है। मेरे दिल की गहराइयों में सिर्फ तुम हो, आपके पार्टनर तहे दिल से सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं, तभी तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो बाहर वाला इंसान होता है उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर आपसे एक चांस चाहते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे ऐसे जज्बात छुपे हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताना चाहते हैं। आई प्रोमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। अगर आप इस रिश्ते को मौका देते हैं तो आपके पार्टनर अपने दिल से प्रोमिस करते हैं कि वो आपका ट्रस्ट दोबारा कभी नहीं तोड़ेंगे। और देखते हैं, आई एम मैडली इन लव विथ यू, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू फॉर एवर। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको हमेशा के लिए नहीं खोना चाहते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पर आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप से अब कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, वो खुद से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके दर्द को समझें, और उनका दर्द क्या है, वो उनकी ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप उनकी ब्लॉकेजेस को नहीं समझेंगे तो इस रिश्ते को लेकर आप जितने मर्जी जजमेंटल हो जाइए, आपके पार्टनर ऐसे ही आप तक वापस नहीं आने वाले। आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली उन ब्लॉकेजेस के रिमूवल की भी आपको ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आप उनकी ब्लॉकेजेस को जानकर कुछ हीलिंग का प्रोसेस या फिर कुछ रेमेडीज आप गो थ्रू कर सकते हैं।
अगर आप मेरे साथ योर रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरी व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो, उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है, पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। सो यहां पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। 3 of Cups का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, यहां पर 5 of Wands का कार्ड है, 8 of Pentacles का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 of Swords का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 of Pentacles का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 of Swords का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 of Pentacles का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के जॉडियक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के जॉडियक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, देन इज एरीज लियो सजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एंड सबसे कम यहाँ पर स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली होगी। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे बड़ा डर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी एनर्जी का है, और आपके केस में एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप लोगों के केस में 2 टाइप की थर्ड पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, एक घर की थर्ड पार्टी है, एक बाहर की थर्ड पार्टी है, और आपके पार्टनर इन थर्ड पार्टीज के सामने एक सरेंडर्ड मोड पर है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी गलत नजर नहीं आती है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर की सबसे बेस्ट कंपेनियन है। आपके पार्टनर हर एक बात इस थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं, और अंदर ही अंदर
कैसे अलग अलग तरीके से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से हार्म हो रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ये डर की स्थिति उनकी इस थर्ड पार्टी की वजह से नहीं बनी हुई है। आपके पार्टनर एक्चुअली इन डिसीजन की एनर्जीज में है। इस एनर्जी को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इन स्पाइट ऑफ योर पार्टनर। ये तरीका क्या है? देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जब भी कोई डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं, वो डिसीजन नहीं बना पाते हैं। उन्हें एक अंदर से डर लगता है। किस बात का डर लगता है, वो इस बात को भी नहीं समझ पाता। आपके पार्टनर डार्क एनर्जी इफेक्ट में है, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर अनक्लियर सिचुएशन में है, और वो डर जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अंदर इम्बाइब कर रही है ना, कि अगर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को छोड़ने की कोशिश की, अगर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाया, तो आपके पार्टनर की लाइफ हेल हो जाएगी। ये डर उन्हें ये महसूस नहीं हो रहा कि ये थर्ड पार्टी इम्बाइब कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वो डर है जो वो खुद जी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पार्टनर के नजरिए को ही कंप्लीटली चेंज कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने। आपके पार्टनर इन डिसीजन की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर कोई भी इफेक्टिव डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं बना पा रहे। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इस थर्ड पार्टी की वजह से। सिर्फ डर की बात नहीं है, आपके पार्टनर हेल्थ वाइज भी सफर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके पार्टनर अपने एनिमी को ही अपना फ्रेंड मानते हैं, मतलब इस थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। ठीक है, और वो डर की स्टेट से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। आपके पार्टनर को आपके प्रति भी ये डर सताता है कि आज के टाइम पर आपका और उनका नजरिया मैच नहीं होता है, और जब नजरिया ही मैच नहीं होता है तो वो अपनी बात को अगर आपके सामने रखेंगे भी तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा, और वो किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति में एंटर नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि ये जो डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, ये आप दोनों को दूर कर रहा है। आपके पार्टनर को ये नहीं महसूस होता कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आप दोनों को दूर कर रही है, ऐसा फील नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो आपके पार्टनर का एग्जैक्ट डर क्या है, इस बात को तो वो समझ भी नहीं पा रहे। एग्जैक्ट डर उनका ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है, उन्हें इस बात में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए जब भी मेहनत करने की कोशिश करते हैं ना, वो इस थर्ड पार्टी को बताकर कोशिश करते हैं। जब आप अपने ही एनिमी को कुछ चीज बताकर करने की कोशिश करेंगे, तो वो पर्सन आपके लिए रास्ते खुले तो नहीं छोड़ेगा। एंड इस वजह से आपके पार्टनर की मेहनत का कोई फल उन्हें नहीं मिलता है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ब्राइटनेस लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद भी उन्हें फल नहीं मिलता, तो उनके अंदर एक अब डर बैठ गया है कि शायद ईश्वर ही आप दोनों का साथ नहीं चाहते। ठीक है, आपके पार्टनर को पता है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर अगर ब्राइटनेस आ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आ सकती है। उन्हें पुरानी बातों को लेट गो करना होगा, लेकिन आपके पार्टनर को ये डर लगता है कि शायद आप अब पुरानी बातों को लेट गो नहीं करना चाहते हैं, आप पुरानी बातों को छोड़कर उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं डिफरेंस इन एनर्जीज, डिफरेंस इन परसेप्शन, जो आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है, और बहुत चालाकी से किया है। ठीक है, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर किसी भी चीज़ पर डाउट नहीं है, और उन्हें हर तरह का डाउट आपके ऊपर है। ठीक है, आपके पार्टनर की इस टाइम पर डायरेक्शन चेंज हुई है, और उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपसे हर दिन के साथ दूर होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कि अगर इसी तरीके की एनर्जीज बनी रही तो वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और वो आपसे दूर नहीं होना चाहते। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि वो खुद दूर जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है आप उनसे दूर जाते जा रहे हैं। आप उन्हें बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्हें कभी कभी आपके प्यार पर भी डाउट होता है, और इस बात पर गुस्सा करने की बात नहीं है, क्योंकि आप तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ये सोच आपके पार्टनर की बनाई गई है।
आपको लेकर, उनकी अपनी जिंदगी को लेकर ये आपके पार्टनर की सोच बनाई गई है, तो इसलिए अपने पार्टनर की इन बातों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। ये आपके पार्टनर की बहुत ही मर्सी सिचुएशन है, इस पर तो आपको आपके पार्टनर पर दया आनी चाहिए कि हालात देखिए, जो पर्सन अपने डिसीजन खुद बनाया करता था, जो पर्सन अपने डिसीजन बनाने में सक्षम था, ठीक है, उस पर्सन को इस थर्ड पार्टी ने इस तरह का बना दिया कि आज के टाइम पर उस पर्सन को पता ही नहीं है कि कैसी तरह के डिसीजन बनाने चाहिए, किस तरह वो अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 10 of Pentacles का कार्ड है। आपके पार्टनर को आपके बारे में ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपके अपनों में आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं आते हैं, आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। ये डर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा सता रहा है कि आपके अंदर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, अब आप उनकी फीलिंग्स को कभी समझेंगे ही नहीं, आपके अंदर उस तरह का दिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने बारे में आप सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में अपनों के बारे में सोचते हैं, आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर का डर है कि अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोचते जाएंगे तो आपके दिल में उनके लिए तो फिर कुछ है ही नहीं, तो उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए ट्राई करना ही नहीं चाहिए। आपके पार्टनर दिल से आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी भरा प्रपोजल देना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपसे कहने के लिए डरते हैं। ये इस वजह से नहीं डरते हैं कि आप उन चीजों को समझेंगे नहीं, ये आपके पार्टनर का अंदर का डर है जो उनके ऊपर इस टाइम पर हावी हुआ है। ये डर नेगेटिव एनर्जीज का, नेगेटिव परसेप्शन का, आप ऐसे नहीं हैं, आपके पार्टनर ने आपको लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन बनाई है, वो उनकी एनर्जीज का कसूर है। आपके पार्टनर की एनर्जीज इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी ने इतनी ज़्यादा नेगेटिव बना दी है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। आपके पार्टनर को ये बात समझ आती है कि उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ऐसा एक्शन लेकर भी क्या फ़ायदा है जब आप उनके बारे में इतना नेगेटिव सोचते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नेगेटिव सोचते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, उनके लगने पर वो इस रिश्ते का फैसला करते जा रहे हैं। आप यहां पर अपने पार्टनर से अगर कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी किसी भी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरेंगे, वो अपनी एनर्जीज में ही नहीं है, वो किसी की हाथ की कठपुतली बन गए हैं। जैसा वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को नचा रहा है, वैसे ही आपके पार्टनर नाचते चले जा रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको स्टेबल प्रपोजल देंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की खुद की एनर्जीज स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को जागृत कीजिए, हालातों को समझिए, आपको एक्सपेक्ट करने का हक तब मिलता है जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में हो। आपके पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं, वो पर्सन नहीं कर सकते हैं जो आज के टाइम पर पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। पाइल नंबर टू पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर टू पीपल, आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है। पहला कार्ड है ट्रिकरी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रेयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इनसिक्योरिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सेप्टेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपेंशन का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सर्विस का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है फॉर पाइल नंबर टू पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है। पहला कार्ड इनडिसीजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। देखिए, पहले तो मैं
डिवाइन को थैंक यू कहना चाहूंगी कि जिस तरह की एनर्जीज आती है ना, उस तरह की एनर्जीज को मैं पिक कर पाती हूँ और आप तक पहुंचा पाती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पार्टनर जो अपनी लाइफ का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये आपके पार्टनर का सबसे बड़ा डर है। ये जो इनडिसिजन की एनर्जीज है, ये आपके पार्टनर के अंदर सबसे बड़ा डर पैदा कर रही है। आपके पार्टनर कभी सोचते हैं उन्हें आपकी तरफ चलना है, और जब वो ये सोच लेते हैं कि आपकी तरफ चलना है, तो वो अपने प्लान्स को इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करके एनर्जी को चेंज करके आपके पार्टनर के अंदर और ज्यादा डर भर देती है कि आपके पार्टनर को आपकी ओर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपकी ओर बढ़ेंगे तो आप उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। तो ये जो इनडिसिजन की एनर्जीज हैं, ये भी आपके पार्टनर के अंदर एक डर के रूप में नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बात कहेंगे कि मैम, अगर वो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमसे कहते क्यों नहीं हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिविटी डाल डाल कर इस थर्ड पार्टी ने उन्हें इतना ज़्यादा इनसिक्योर बना दिया है कि आपके पार्टनर अब अपने जज्बातों को बाहर लाने से डरते हैं। वो अपने जुबा पर भी नहीं लेकर आते हैं कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कि वो इस रिश्ते की डार्कनेस को दूर करके आपके साथ अपने इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, बट उन्हें हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना केयरफ्री होकर वो इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, इस रिश्ते के अंदर डार्कनेस बढ़ती जा रही है, वो इस डार्कनेस को नहीं दूर कर पा रहे हैं, और इस बढ़ती डार्कनेस के साथ आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो ये दूरियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। आप अपने पार्टनर से दूर होते चले जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं, और ये चीज आपके पार्टनर के अंदर एक डर का कारण बनी हुई है। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि आप खुद ही अब इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ जब भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें सामने से बंद दरवाजे नजर आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ही अपने दिल का दरवाजा उनके लिए बंद कर लिया है। इस वजह से आज के टाइम पर ईश्वर भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये परसेप्शनल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है ना, ये थर्ड पार्टी की गेम है, और आप और आपके पार्टनर इस एनर्जी में सबसे ज्यादा फंस गए हैं। आप दोनों के रिश्ते को ना आप चला रहे हैं, ना आपके पार्टनर चला रहे हैं, तीसरा पर्सन इस रिश्ते को चला रहा है, और इस तरह से इस रिश्ते को चलाया जा रहा है कि आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी है। यहां पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कि जो दर्द वो आज के टाइम पर बर्दाश्त कर रहे हैं, कहीं ये दर्द पूरी जिंदगी का उनके अंदर ना बस जाए, ये दर्द पूरी जिंदगी का ना बन जाए। ये डर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा सता रहा है, क्योंकि कुछ भी वो इस रिलेशनशिप के लिए करने की कोशिश करते हैं, उस चीज का कोई रिजल्ट ही नहीं निकल कर आता है। आपके पार्टनर एक इनसिक्योर एनर्जीज में, रातों को आपके पार्टनर को नींद नहीं आती, आपकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है वो उस चीज को भी जानने की कोशिश करते हैं, इमोशनली शैटर हो रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में किसी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। वो जिस थर्ड पार्टी के साथ है उस पर उन्हें शक नहीं है, लेकिन उन्हें डर आपकी साइड के किसी पर्सन की वजह से है कि किसी और ने इस रिलेशनशिप में ट्रिक प्ले की है, आप दोनों के साथ पॉलिटिक्स खेली है, जिसकी वजह से आपका नजरिया अपने पार्टनर को लेकर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो डर है ना, ये एक मैनिपुलेटिव एनर्जी की वजह से डेवलप हुआ है। यहाँ पर प्रेयर का कार्ड है। देखिए, जो आपके पार्टनर हैं वो ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं में आपको मांगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर दिन रात आपको लेकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उनके जीवन में नहीं आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ये भी डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने आपको उनकी किस्मत से ही खींच लिया है, ईश्वर ने आप दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। ये भी एक उनके अंदर डर का कारण है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस वजह से भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर इमोशंस ही खत्म हो गए हैं, अब आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनली फील ही ना करते हो,
कहीं आपने इस रिश्ते को बहुत पहले ही खत्म कर दिया हो और आज के टाइम पर आपके पार्टनर ही सिर्फ इस रिश्ते को जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये डर भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा सता रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये डर लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में घटित हुआ, आपने शायद उसी को ही अपना फेट मान लिया है और इस रिलेशनशिप के लिए अब आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में किसी भी और अपने इमोशन को प्राथमिकता नहीं देना चाहते हैं। आपने सिर्फ एक एक्शन से अपने पार्टनर के और अपने रिश्ते का आपने फैसला कर लिया। आपके पार्टनर ने जो एक्शन लिया, किस मजबूरी में लिया, हालात क्या थे, आपने वो चीज़ें नहीं समझी, तो आपके पार्टनर को ये जो आपकी एक्सेप्टेंस की एनर्जीज जो महसूस होती हैं, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा करती हैं। आपके पार्टनर को ये महसूस होता है कि आपने शायद अपनी लाइफ में किसी और को उनकी जगह दे दी है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है अपने पार्टनर के बिना, और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश भी करते हैं, वो आपको स्टॉक भी करते हैं, वो आपको जज भी करते हैं, और उससे उनके अंदर जो वो डर की फीलिंग्स है वो और बढ़ती जाती हैं। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि जब उन्हें आप कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आप उनके साथ नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर प्यार ही ख़त्म हो गया? तो ये भी एक डर है आपके पार्टनर के अंदर जो उन्हें अंदर से खा रहा है। ठीक है, सो आइए अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है? पहला मैसेज है यहाँ पर, जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनके लिए लाइफ एक पजल बनकर रह गई है। द नेक्स्ट कार्ड इज, तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है, आई फील जेलस। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जेलसी महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई और है, वो इस तरह से आपको जज कर रहे हैं, वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उन्हें बहुत ज़्यादा आ रही है और वो जेलस फील करते हैं। तुम्हें गलत समझना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है, प्यार किया तो दोनों ने था पर निभाया सिर्फ तुमने। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको गलत समझना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। प्यार तो आप दोनों ने किया लेकिन निभाया उस प्यार को सिर्फ आपने, ये आपके पार्टनर मानते हैं। एंड ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है, अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, थिंग्स डोंट फेवर मी। आपके पार्टनर अभी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, चीज़ें उन्हें अभी फेवर नहीं कर रही हैं। और देखते हैं, आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आपके पार्टनर स्टक हैं, वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है, 100% आपके पार्टनर स्टक हैं, अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। मैं आज समझ पा रहा हूँ, प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आपके पार्टनर इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने प्यार तो कर लिया लेकिन उसे निभा नहीं पाए, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने प्यार को नहीं निभा रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इस टाइम पर अगर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो अपने इमोशंस को आपके सामने लेकर आए, वो अपने डर को आपसे कहें, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो जिस इंसान के साथ है, वो इंसान आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहा है और पूरे अच्छे तरीके से कर रहा है, एनर्जीज को चेंज करके, डार्क एनर्जी का इफेक्ट करके, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट करके। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको अपने इस रिश्ते में अगर रियूनियन चाहिए तो एक तो ब्लैक मैजिक रिमूवल चाहिए आपको, और दूसरा थर्ड पार्टी एलिमिनेशन चाहिए। ठीक है, ब्लॉकेजेस हर केस में अलग अलग होती हैं। ठीक है, कईयों में ब्लैक मैजिक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कईयों में कम भी होती है, तो आपके केस की क्या ब्लॉकेजेस हैं, उसे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए और ब्लॉकेजेस को जानकर आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं, हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज के रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।